हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस से हमारा जो क्वेश्चन बायोलॉजी का है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वसा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिए। क्या होता है, आपके पास मतलब स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट, पांच स्टेटमेंट, अलग अलग बहुत सारे स्टेटमेंट दिया रहेगा। अब उसमें से हम लोग को पता करना रहता है कि कौन कौन सा सही है या फिर कौन कौन सा गलत है। डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या दिया है। तो जब कभी यहाँ पर समस्या क्या रहती है, सबको लगता है कि सही है सही है, मतलब सही के बारे में पूछ रहे हैं कौन कौन सा सही है। बट कई बार इसमें क्या कर देते हैं, कौन कौन सा गलत है, कौन कौन सा रॉन्ग है, ऐसा करके दे दिया जाता है। तो वहां पर समस्या क्या आ जाती है, हम लोग हमारे दिमाग में एक चीज सेट हो चुकी है कि हम लोग को सब सही सही वालों को बस सेलेक्ट करने रहते हैं। तो उसके बाद फिर कई लोग क्या रहते, यहाँ पर ये समस्या हो जाती है, सबसे पहले यहाँ पर देखना कि क्या दिया है, ठीक है। और बेटर रहेगा जैसे ही आप लोग देखो कि कौन सा सही है या गलत है, तो सही या फिर गलत रहेगा ना वहां पर, ना लिखा रहेगा वहां पर गोला मार देगा, जैसे कौन कौन सा गलत है ऐसा करके दिया है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर गोला मार देना, कि क्योंकि ध्यान नहीं जाता है इस टाइप्स के क्वेश्चन में। और समस्या यहाँ होती है जब घर पहुँचते हैं, और तो घर पहुँचते तो देखते हैं अरे यहाँ पर तो गलत लिखा है, गलत को सेलेक्ट करना था और हम लोग कुछ और लगा के आ गए। तो जो हमारा गलत आंसर रहेगा ना वो भी हमारे पास ऑप्शन में हम लोग को मिल जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि हमारे पास देखो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की क्या बात है, कि ऑप्शन कभी नहीं देखेंगे इस टाइप्स के क्वेश्चन में ना, ऑप्शन कभी देखेंगे ही नहीं, ऑप्शन को चुपचाप छुपा देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिना ऑप्शन देखे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या क्या पता है पहले देख लीजिए कि आपको क्या क्या पता है, आपका क्या क्या सही बन रहा है, उसके बाद फिर देखिए। नहीं तो फिर ना हम लोग वहां पर से ना हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रेरित हो जाते हैं आंसर देख के उसमें सेट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये वाला सही होगा क्या, ये वाला सही होगा क्या, ये सही होगा क्या, ऐसा करके। बट ये चीज़ नहीं करना है, सबसे पहले इसको छुपाना है और इसमें से लगाने की कोशिश करनी है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है हम, अच्छा हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया, वसा से संबंधित निम्न कथनों में से क्या सही है, ठीक है। तो हम लोग को फैट के बारे में बताना है, फैट से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग को स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, कोशिका कला की रचना के लिए वसाओं की आवश्यकता होती है, फैट्स आर रिक्वायर्ड टू द फॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के मतलब सेल मेम्ब्रेन जो रहते हैं ना उसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है क्या। तो बिल्कुल सही बात है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए हेल्प करता है फैट। अब अगला क्वेश्चन क्या है, वसाएं खाद्य में से कैल्शियम का अवशोषण करने में शरीर की मदद करती है, फैट्स हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द फूड, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है क्या, नहीं। ये हमारे पास स्टेटमेंट ये गलत है, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई कार्य इसका नहीं है फैट का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारने में वसाएं आवश्यक होती है, जो फैट रहते हैं ना, फैट्स आर एसेंशियल इन रिपेयरिंग डैमेज्ड टिश्यूज, जो डैमेज टिश्यूज हैं जिनका जो डैमेज हो चुका है टिश्यू, ऐसा हमारे पास। अब टिश्यू क्या है, हमारे पास बहुत सारी कोशिका है ना, सेल बहुत सारी सेल आपस में मिलेंगी ना, तो क्या बनाएंगे, टिश्यू या फिर ऊतक, और इन ऊतकों से मिलके बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके बनता है मतलब बहुत सारे ऑर्गन के समूह से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बोलते हैं, शरीर में क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारने के लिए, तो सुधारने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है, फैट जमने का कार्य करता है, सुधारने का कार्य नहीं करता। तो हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी गलत। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ स्टेटमेंट में, शरीर वसाओं में उतनी तीव्रता से ऊर्जा मोचित नहीं कर सकता जितनी तीव्रता से कार्बोहाइड्रेट में कर सकता है, द बॉडी कैन नॉट रिलीज एनर्जी फ्रॉम फैट्स एज क्विकली एज इट कैन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन वाली बात आ गई, ठीक है, एक राम है एक श्याम है, कौन ज्यादा स्पीड दौड़ता है, ये वाली बात है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपैरिजन के लिए हमारे पास क्या क्या दिया है, एक तो एक साइड है हमारे पास फैट और एक साइड है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, एक साइड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट।
अब ये क्या होता है, फैट जो रहता है ना वो जल्दी से नहीं पचता, ठीक है। फैटी जो फैट क्या होता है, फैट किस में चेंज होता है, फैटी एसिड में चेंज होता है, वो जो आसानी से नहीं पचता है, टाइम लगता है, पच जाएगा बट उसको टाइम लगेगा, ठीक है। बट उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए कार्बोहाइड्रेट को, तो बहुत जल्दी पच जाता है। इसलिए अगर भूख लग रही है ना, तो फैट वाला कुछ खाने से बढ़िया, ज़्यादा फैट वाला खाने से बढ़िया कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा रहे उसको पहले खाओ, तो ज़्यादा जल्दी पेट की भूख मिटेगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, वसाओं की तीव्र, और देखो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा ना, मतलब देखो ऊर्जा दोनों में मिलेगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जल्दी से पचता है, और जल्दी से जो जितना जल्दी पचेगा उतना जल्दी एनर्जी देगा। तो यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर क्या दिया है, वसाओं में उतनी तीव्रता से ऊर्जा मोचित नहीं कर सकता, एनर्जी जो है ना उतना स्पीड से नहीं निकल सकता जितना स्पीड से कार्बोहाइड्रेट में निकल सकता है। तो हमारे पास चौथा स्टेटमेंट है ये सही हो गया। तो पहला और चौथा ये दो स्टेटमेंट हमारे पास सही निकले, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला और चौथा है, देखो ए ऑप्शन, कहीं और है क्या पहला और चौथा, नहीं है। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन में पहुंचते हैं। कथन ए, नारियल के पेड़ की छाल, कथन क्या दिया है, नारियल के पेड़ की छाल मोटी और कड़ी होती है, ठीक। कारण क्या बोलते हैं इसका, इसका स्थूल कोण ऊतक जो रहता है ये स्थूल कोण ऊतक से बनी होती है। द बार्क ऑफ कोकोनट ट्री इज थिक एंड हार्ड, इट ऑक्योर्स इट, इसका रीजन क्या बोलता है, क्या बोलता है, इट इज मेड अप ऑफ मैक्रोस्कोपिक टिश्यू। तो बिल्कुल सही बात है, जो मैक्रोस्कोपिक जो टिश्यू होता है, स्थूल कोण ऊतक जो रहता है, वो क्या कार्य करता है, रिजिडिटी प्रदान करता है। रिजिडिटी जहाँ जहाँ है ना, वहाँ वहाँ क्या रहेगा, स्थूल कोण ऊतक रहेगा, इस बात को ध्यान रखें। तो हमारे पास कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन जो कारण जो है वो कथन को, मतलब कारण जो है वो कथन, मतलब कथन और कारण दोनों रिलेटेड है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव, कोई से भी एग्जाम की बात करें, SSC हो, चाहे CGPSC हो, चाहे UPSC हो, ठीक है, या फिर कोई सा भी एग्जाम है, जितना भी कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट जॉब का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, सबके लिए विटामिन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी तो अभी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना के टाइम से विटामिन सी चल रहा है बहुत ज़्यादा, कि विटामिन सी की मतलब विटामिन सी ज़रूरी रहता है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसका और नाम क्या है, विटामिन सी को और क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को ही बोलते हैं, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है। और ऐसे ही आप लोग को और किसका किसका नाम ध्यान रखना है, विटामिन ए का, विटामिन बी में, B12 का बहुत याद से याद रखेंगे, ठीक है। विटामिन बी के अंदर बहुत सारा है, ठीक है, तो B1, B2, B6 और B12, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखना। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब का सब, इन सब का ना आपको जो साइंटिफिक नेम है वो सब पता रहना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन सी का हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारे विटामिन सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब एस्कॉर्बिक एसिड रहता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किस या किन मूल तत्व या मूल तत्वों की हीनता से हड्डियों में कमजोरी आ जाता है, हड्डियों में कमजोरी, ठीक है। पहली बात तो ये उम्र के कारण भी आता है, ठीक है, उम्र अगर नहीं हुआ है, वयस्क है आप लोग, एकदम जवान है, उसके बाद भी आपका मतलब थोड़ा दूर चले और घुटनों में दर्द हो गए, ठीक है, तो बच्चे लोग हंस देंगे आपके में अभी से घुटनों में दर्द हो रहा है ऐसे करके, बूढ़े लोग हंस देंगे अरे अभी तो जवान हो यार तुम, ठीक है। तो हमारे पास किस चीज़ की कमी हो गई जिसके कारण हम लोग को ये सब सुनना पड़ गया, तो क्या क्या चीज़ की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, फॉस्फेट की कमी हो गई। इनकी कमी से क्या होता है, जो हमारे शरीर में मतलब शरीर में हड्डियां जो है ना कमजोर हो जाती है, और कैल्शियम की कमी से एक रोग होता है, उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि जो हड्डियां जो होती है ना कमजोर रहती है, मुड़ जाती है, तो मुड़ा हुआ हड्डी अगर हमारे दिखाई दे रहा है, तो उसमें क्या चीज की कमी है, कैल्शियम की कमी है। और हड्डियों की कमजोरी किससे होती है, मतलब देखा जाए दोनों दोनों चीज रहता है हमारे हड्डियों में, दोनों ही चीज पाया जाएगा, कैल्शियम भी रहेगा, फास्फोरस भी रहेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 किस में, ये वाले में, ऑप्शन नंबर ए में ही है, सारा ऑप्शन सही ए ही आ रहा है। देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया,
प्रोकैरियोटिक संरचना वाली नीली हरी शैवाल है। साइनोबैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन एल्गी विथ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, हमारे पास जो हमारी कोशिकाएं होती है ना, वो दो टाइप से होती है, हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई किए हुए हैं मतलब बैक्टीरिया की संरचना को। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक देखो, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जो पूरी तरह विकसित नहीं होती है। ठीक है, जो पूरी तरह विकसित नहीं होती है, पूरी तरह फुली डेवलप्ड नहीं रहता, वो प्रोकैरियोटिक है। और जो पूरी तरह से डेवलप्ड है वो कौन सा है, यूकैरियोटिक है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है ना वो पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो हमारा कथन तो बिल्कुल सही है। अगला क्या दिया, ये हरित लवक की उपस्थिति के कारण हरी दिखाई देती है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल अपियर्स ग्रीन। मतलब ये उसमें जो देखो नील हरित शैवाल क्या होता है ना, हल्का नीलापन रहता है, हरापन रहता है, इस टाइप का रहता है। तो उसमें क्या बोलते हैं, जो ग्रीन कलर जो दिख रहा है ना वो किसके कारण रहता है, क्लोरोफिल के कारण रहता है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में उसके पीछे का कारण बता रहा है। साइनोबैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक संरचना है ना, उसके पीछे का कारण क्या है, वो जो हरित लवक है ना, जो क्लोरोफिल है वो है, ऐसा बोलते हैं। तो पहली बात तो इन दोनों के बीच का रिलेशन नहीं बन रहा है, दूसरी बात ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसके ग्रीन कलर होने का कारण क्लोरोफिल तो नहीं है। तो हमारे पास जो हमारा कथन ए जो है ये तो सही है, लेकिन कथन बी जो है मतलब जो कथन आर जो है मतलब कारण जो आर है वो गलत है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कथन मतलब ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, जो जंतु कोशिका होता है ना, एनिमल एनिमल सेल जो रहता है उसमें क्या नहीं रहता है ये बोलता है। अब ऑप्शन में देखते हैं हम लोग क्या क्या है, केंद्रक तो रहता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी रहता है, लेकिन क्या नहीं रहता है, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति होती है ना बाहर का जो आवरण रहता है सेल्यूलोज से बना नहीं रहता है हमारा। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन क्या अनुपस्थित रहते हैं, यहीं पर बात सबसे पहले गोला मानना है कि क्या नहीं रहता है ऐसा पूछ रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, जो यूकैरियोटिक कोशिका है ना, अरे यूकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली है ना वो किससे बना रहता है, ऐसा बोलते हैं। अभी देखें हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, जो डेवलप्ड रहती है। ठीक है, जो डेवलप्ड रहेगी उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। अब उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली रहेगा ये किससे बना रहेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे। तो हमारे पास क्या क्या दिया, फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन या फिर फॉस्फोलिपोप्रोटीन। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या होगा, ध्यान रखेंगे फॉस्फो लिप्रोटीन से हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास। अगला है हमारे पास, अर्धसूत्री विभाजन से विभाजन की किस अवस्था में केंद्रकाय विभाजित हो जाता है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन क्या होते हैं, कोशिकाएं क्या होती है, देखो कोशिका जो है ना एक कोशिका है, उससे बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये कैसे निर्माण होगा, विभाजन होगा तब निर्माण होगा। जैसे हमारे पास एक कोशिका थी, उसमें ये हमारे पास क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जितना होना चाहिए मतलब जितना इसमें क्या मतलब जितना बड़ा हो सकता था ना, ये बड़ा हो गया। क्या होता है जब इंसानों की बात कर लेते हैं, इंसान एक एज में पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, अपने जैसे संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। इसमें भी जब ये यंग एज में पहुंच जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, अपने बच्चे उत्पन्न करते हैं। अब बच्चे ऐसा नहीं होगा कि क्या बोलते हैं मतलब ये अलग अंडा दे रहा है या फिर बच्चा दे रहा है डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता है। होता क्या, ये ना टूट जाता है, जब बहुत सारे एनर्जी से भर जाते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, ऐसे अलग हो जाता है। तो ना केंद्रक जो है ना दो ठोक बन जाता है। उसके बाद जो केंद्रक एक था ना पहले ऐसा था,
ये कोशिका हो गई और उसके अंदर का एक केंद्रक हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, अलग अलग ना दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये पूरा पूरा सेपरेट हो जाता है, बीच में केंद्रक, दोनों का केंद्रक अलग अलग। तो इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। एक कोशिका से और अनेक मतलब अलग अलग और कोशिकाओं का निर्माण जो होता है, इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन क्या होता है, तीन टाइप का होता है। जो कोशिका विभाजन हो रहा है, इस टाइप का विभाजन हो रहा है ना, तीन टाइप से होता है। एक होता है असूत्री विभाजन, एक होता है असूत्री, एक होता है अर्धसूत्री और एक होता है समसूत्री। तीन टाइप का विभाजन होता है। असूत्री विभाजन में क्या होता है, मतलब देखो असूत्री विभाजन में जो डेवलप्ड नहीं है ना, जो डेवलपिंग स्टेज में या फिर अंडर डेवलप्ड है, ऐसी कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इन सब में क्या होता है अर्धसूत्र असूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास टोटल कोशिकाओं की संख्या 10 थी, मतलब उसके बाद फिर क्या हुआ, विभाजन हो गया। तो विभाजन के बाद क्या हो गई, पांच पांच अलग अलग सेट बन गया, मतलब बराबर डिवाइड में और आधा हो गया। तो मतलब जब संख्या आधा हो जाए तो फिर उसको बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। और अगर संख्या उतना ही रहे, विभाजन भी हो गया उसके बाद भी संख्या उतना ही है, मतलब अगर 10 था स्टार्टिंग में, तो जब अलग अलग हुआ ना तो भी दोनों ही 10-10 के सेट में ही बनेगा। जितनी कोशिकाएं पहले थी उतनी ही कोशिकाएं मतलब विभाजन के बाद भी बने रहेगी। तो इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। मतलब समान, मतलब देखो जितना था, जितने स्टार्टिंग था ना, जो जनक के समान हो, जनक मतलब जो संतति कोशिका है, नई कोशिका है, उनकी संख्या जो है संतति कोशिकाओं के समान ही रहेगी, तो फिर इसको बोलेंगे समसूत्री विभाजन। अब यहाँ पर क्या पूछा है और इसके क्या क्या फेज होते हैं, ध्यान रखेंगे। आईपी मैट बताया था मैं, और भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ। आईपी मैट, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलाफेज, ठीक है। इसका सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, यही सीक्वेंस है। पहले जो कोशिका रहेगी वो इंटरफेज में आएगी, उसके बाद फिर प्रोफेज में, फिर मेटाफेज में, फिर एनाफेज, फिर टेलाफेज में। तो ये जो हमारा सीक्वेंस है, एक तो सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। उसके बाद इस पे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया, इनमें से कौन सी प्रक्रिया कोशिका विभाजन का भाग नहीं है। तीन दे देगा एटोक किसी और को, मतलब कोई और, मतलब कोई और क्रिया दे देगा, तो हमको बताना रहेगा यहाँ पर कौन सी क्रिया इसका भाग नहीं है। तो ये पांचों आप लोग को स्टेजेस जो है, ये पांचों स्टेज है, अलग अलग चरण है, तो ये चारों पांचों के चरण ध्यान रहने चाहिए आईपी मैट। और जो ये रहता है ना, जो हमारे पास इंटरफेज रहता है ना, इंटरफेज जो रहता है ना, वो असूत्री विभाजन में नहीं रहता है, अर्धसूत्री विभाजन में नहीं रहता, ध्यान रखेंगे। समसूत्री विभाजन में ये पांचों फेज रहेगा, और अर्धसूत्री विभाजन में जो इंटरफेज है ना, ये वाला चरण इसमें नहीं रहता है, सीधा हम लोग के पास प्रोफेज से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में केंद्रकाय विभाजित हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कौन सी अवस्था में, पश्चात अवस्था में, पश्चावस्था में, ठीक है, इन द लेट स्टेज, लास्ट में क्या होता है, केंद्रक विभाजित हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या दिया है, माइटोसिस द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है जिससे वृद्धि प्रक्रिया में सहायता मिलती है। कुछ जीवों में माइटोसिस से प्रजनन होता है, तो माइटोसिस होता है, ये तो सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। माइटोसिस हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन इन सम ऑर्गेनिजम्स। और जो हमारे पास कथन दिया वो भी क्या दिया है, द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड बाय मायोसिस विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारे पास दोनों ही सही भी है। और ये प्रोडक्शन में जो हमारे पास ये क्या हो रहा है, ग्रोथ में वृद्धि कर रहा है ना, ग्रोथ से वृद्धि में से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो ध्यान रखेंगे दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक हार्मोन व ऊष्मा परिसंचरण का कार्य करता है तथा जल का समन्वय बनाए रखते हैं, जल का समन्वय बनाए रखते हैं। अब देखो पहला हमारे पास क्या दिया है, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, रुधिर और तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या रहता है, जो तंत्रिकाओं में
जो तंत्रिकाओं का समन्वय है, ठीक है, नर्वस जो यहाँ पर क्या करते हैं, सारी मतलब जितनी भी प्रकार की संवेदनाएं होंगी उन सब का नियंत्रण करेगा कौन? तंत्रिका ऊतक। ठीक है, अब जो संयोजी ऊतक रहते हैं, संयोजी ऊतक क्या रहता है? कनेक्टिव टिश्यू, देखो नाम से ही कनेक्शन है, तो ये क्या करता है? कनेक्ट करने का, दो अलग अलग जो हमारे पास वो रहेंगे ना, अलग अलग टिश्यूज रहेंगे, उन टिश्यूज को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक। अगला है हमारे पास पेशीय ऊतक। अब इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका काम क्या है। ठीक है, पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। और हमारे पास अगला क्या है? हमारे पास रुधिर, ये ब्लड का ही काम है। ठीक है, ये काम तो एक ही आदमी कर सकते हैं, वो कौन कर सकते हैं? रुधिर कर सकते हैं। तो कौन कौन क्या क्या काम करता है रुधिर? एक तो हार्मोन, हार्मोन और ऊष्मा का परिसंचरण करता है। अब और क्या करता है? जल का समन्वय भी बना के रखता है। तो ये सारे के सारे काम किसके? रुधिर के। तो ये हुए कुछ और क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक कमेंट एंड शेयर नाउ। थैंक यू।